तो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? आई होप कि सब लोग ठीक ठाक ही होंगे। मैं हूँ तरुण दास, आप लोगों को फिर से स्वागत करता हूँ अपना चैनल राइडर टेंस पे। और आज मैं फिर से हाजिर हूँ नया वीडियो लेकर। तो आज हम काठमांडू पे ही रेस्ट लेने वाले हैं। बहुत राइड हो गया, एक दिन काठमांडू में रेस्ट लेंगे, फिर कल पोखरा के लिए निकल जाएंगे। पोखरा में जाके भी एक दिन रेस्ट लेंगे। तो आज हम लोग है थामेल मार्केट जो है उधर, उसके पास में ही एक होटल में है। और ये रूम नहीं है एक्चुअली, दिस इज़ अ कॉटेज। तो चलिए जल्दी से इस कॉटेज का जो प्रॉपर्टी है वो आप लोग को दिखा देता हूँ। बहुत ही अच्छा एक जगह है। सो ये रहा अच्छा कुछ ऐसा रूम। एक्चुअली दिस इज़ नॉट ए रूम, दिस इज़ अ कॉटेज। और ऊपर लकड़ी का सीलिंग भी किया गया है जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। और इधर ड्रेसिंग टेबल तो है, लेकिन ड्रेसिंग टेबल का मिरर नहीं है। गमछा झूल रहा है। अच्छा रूम है, बस मेस होके पड़ा है जैसे कि होता ही है। अच्छा, इधर ड्रेसिंग टेबल नहीं है, इधर ड्रेसिंग टेबल इधर है, मिरर इधर भी है। और ये रहा बाथरूम, क्लीन एंड क्लियर। तो ये रहा बाहर का नज़ारा, एक सुंदर सा गार्डन। ये रहा गार्डन, इधर बैठने के लिए टेबल चेयर भी है और इधर एक बुलेट भी है। ये देखिए, और ये सारे जो दिखाई दे रहा है सारे कॉटेज है। और हम लोग का कॉटेज ये है, गौरी शंकर कॉटेज का भी नाम दिया हुआ है। ये रहा गौरी शंकर, ये रहा एवरेस्ट। और कल एक ज़बरदस्त वाला घटना घट गया, हम लोग को दिखा था। कल वैसे दो तीन कांड हो गया। ये देखिए, नंबर प्लेट का जो गार्ड था प्लास्टिक का, वो तो टूट के गिर ही चुका है, और ये भी कैसे तैसे करके टूट गया है। तो मैं क्या करूँगा, इधर रस्सी बांधूँगा, बांध के कैसे तैसे चलाना पड़ेगा इसको। और ये रहा बाइक का हालत, कीचड़ उतना ज़्यादा हुआ नहीं, बस थोड़ा बहुत धूल मिट्टी जमा हुआ है। ये रहा, और एक चीज़ और दिखाते हैं, रुकिए, बहुत ही यूनिक सा चीज़ है। ये देखिए डार्ट बाइक, 200 cc का है, और नेपाल में ये बाइक बहुत चलता है। ये देखिए इसका टायर, देखिए जो ग्रिप है, जो बटन है, कितना बड़ा बड़ा बटन है। देखिए होंडा का है ये, और इधर टोयोटा का ये वाला मॉडल भी चलता है, टोयोटा RAV4। ये कैमरा में कितना अच्छा दिख रहा है बोल नहीं पा रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल में बहुत ही मतलब जो यूनिक कार नहीं होते वैसे है। होटल का नाम है सनराइज कॉटेज, ये बिल्कुल थामेल मार्केट में ही है। अगर गूगल में सर्च करेंगे तो आ जाएगा मैप में। कॉटेज हम लोग को पड़ा सिर्फ 800 रुपये में, जो कि बहुत ही अच्छा डील है। सो अभी हम लोग पशुपतिनाथ टेम्पल, और यहाँ पे जो है बाइक पार्क कर चुके हैं, तो टेम्पल की तरफ जाते हैं। चलिए, और पीछे पापा है। तो अभी क्लॉक रूम में जो है पापा का हेलमेट और जूता रख दिया। अभी हम लोग जा रहे हैं पशुपतिनाथ टेम्पल के अंदर, और जो मेरा जो एग्जॉस्ट हेलमेट था वो अंदर गया ही नहीं, लॉकर के अंदर नहीं गया। Even when
could see. You were all that I could see when I could hardly walk on my own. I had to lift myself out of the trench below. Haven't I suffered enough to let you go? If you're all that you, I had you come, come right. You're all that you. So हम लोग जो है टेम्पल के अंदर मेन गेट के अंदर आ गए और अभी जो मंदिर के अंदर प्रवेश पथ है उसके अंदर जाएंगे और सीधा जो दिखाई दे रहा है ये टेम्पल का मेन दरवाज़ा है टेम्पल के जाने के लिए. सो अभी मैं बैठा हूँ पापा के लिए. पापा अंदर गया है और इधर जो है हेलमेट वगैरह है इसलिए मेरा हेलमेट है. सो मोबाइल भी रहेगा इसलिए मैं बाहर बैठा हूँ और पापा अंदर गया है और अंदर कोई फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कुछ भी अलाउ नहीं है इसलिए बाहर रख के जाना होगा. सो पापा के लिए वेट करते हैं फिर मैं जाऊँगा. A thousand days, you never wait for me. You never wait for me. मंदिर के अंदर तो वीडियो या फोटोग्राफी करने अलाउ नहीं था. जबरदस्त मंदिर है, मस्ट विजिट प्लेस है भाई साहब. पशुपतिनाथ टेम्पल तो जरूर है. तो ऊपर जा रहे हैं आगे, तो चलिए थोड़ा सा घूम के आते हैं. सो अभी हम लोग शमशान घाट की तरफ जा रहे हैं और इधर है पापा. सो पशुपतिनाथ टेम्पल ज़रूर आना. मेरा एक बहुत ही क्या बोलूँ, मतलब आफत जो है वो गुजर गया. अभी दो भैया थे बिहार के, गया से है. सो उन्होंने मेरा मदद किया. अजय सिंह सर, आपका ये एहसान जिंदगी में नहीं भूलूँगा मैं. तो दोनों भैया मिले थे, बहुत अच्छे थे. तो मेरा काम हो गया. एक्चुअली कैश जो है वो शॉर्ट पड़ रहा था, इसलिए जो है दिक्कत हो रहा था. रास्ता किधर से, मैं इस वीडियो में जो है उन लोगों का पिक्चर आप लोगों को दिखा दूंगा. तो शमशानगढ़ की तरफ चलते. तो भोलेनाथ के मंदिर के साथ जो शमशान घाट है वो बहुत ही कम है दुनिया में, शायद कोलकाता में एक है, बहुत कम है. नॉर्मली आप देखेंगे कि काली माता के मंदिर के साथ शमशान घाट होता है, लेकिन यहाँ पे जो है महादेव जो पशुपतिनाथ टेम्पल है उसके पीछे ही एक शमशान घाट है. और ये कहा बात है कि यहाँ पर कभी भी जो चिता की आग है कभी बुझता नहीं है, हर वक्त एक ना एक होता ही रहता है. तो अभी एक हो रहा है और सामने ही पशुपति टेम्पल है. तो रुकिए आप लोग को दिखाता हूँ पशुपतिनाथ टेम्पल. ये है पशुपतिनाथ टेम्पल और ऊपर से एक बहुत पास से एक ये जा रहा है हेलीकॉप्टर. वो देखिए, ये देखिए बहुत पास से गए. और ये रहा पशुपतिनाथ टेम्पल, वो मेन बिल्डिंग है टेम्पल का, जो कि ये मतलब अंदर से वीडियो या फिर फोटोग्राफी करना अलाउ नहीं है. और ये पूरा है मंदिर का प्रीमिसेस. ज़रूर एक बार पशुपतिनाथ टेम्पल आएगा, आएंगे तो अच्छा लगेगा और प्रार्थना भी कर लेंगे. सो इधर घूमना हम लोगों का हो गया. अभी इधर से सीधा होटल जाएंगे क्योंकि बहुत गर्मी लग रहा है. जो इसका जो इनर लाइनर है वो खोल के रख देंगे और इस शर्ट के अंदर भी एक इनर पहने,
इसको भी खोल के रख देंगे और फिर जाएंगे नीलगिरी या फिर देखते हैं कहाँ जाते हैं, या फिर दरबार स्क्वायर, कोई भी एक जगह जाएंगे। तो चलिए जल्दी से यहाँ से निकलते हैं। और आज मैं मोटो ब्लॉग नहीं कर रहा हूँ, आज बस ऐसे ही फोन में जो कैमरा के सामने बात करूँगा। सो चलिए, अभी हम लोग पहुँच चुके हैं चंद्रगिरी हिल्स का जो केबल कार स्टेशन है उधर पहुँच चुके हैं, और जल्दी से टिकट करते हैं और फिर केबल कार से ऊपर जाते हैं। और इधर है पापा, इधर है, और वहाँ पर बाइक पार्क कर दिया है। बहुत बड़ा लाइन हो गया जैसे कि देख सकते हैं, बहुत बड़ा लाइन है। शायद एक केबल कार में दो एक करके जा रहा है लोग, सो वेट करते हैं और क्या कर सकते हैं। मगर हाथ नीचे कर भैया, से गूगल नहीं आकर सीन नहीं, अब वीडियो आया, वीडियो तो बनाता नहीं बाइक के लगाते मन का ना तुच्छ चमुड़िया नीचे है कहीं को तो बहुत छम गया छोटी चल गई देख रहा है हाथ बाइक का बंदा नहीं गाल। चंद्रगिरी हिल्स पे हम आ चुके हैं और यहाँ से ट्रेक करके थोड़ा सा ऊपर उठेंगे, ऊपर एक मंदिर है और उधर जाएंगे। तो बहुत देर का केबल कट था, लगभग 15-20 मिनट का तो होगा ही। और दिस इज़ वन ऑफ द टॉलेस्ट केबल कट इन द वर्ल्ड, ये लगभग 5 से 6 किलोमीटर फूल रहा है, लगभग 5 से 6 किलोमीटर एलिवेशन था। तो बहुत मज़ा आया, पीछे मेरा पापा भी आ रहा है। सो ऊपर मंदिर में चलते हैं। अगर आप चाहते हैं तो ट्रेक करके भी आ सकते हैं, लेकिन केबल कर एक बार ज़रूर ट्राई करना, ये मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। और इसका टिकट जो है 1220 एक पर्सन का, अप एंड डाउन दोनों मिला के मतलब 610 करके हैं, तो अप एंड डाउन मिला के दोनों का हुआ 2440 2440। और साइड में ये नज़ारा, और इधर हेलीपैड भी है, अब लोग चाहे तो पैसा ज़्यादा होगा तो आ सकते हैं हेलीकॉप्टर से, हेलीकॉप्टर का नज़ारा भी कुछ और ही होगा। इधर एडवेंचर स्पोर्ट्स भी है, जिप लाइन इधर बोला जाता है, ये जिप लाइन भी है, ये एडल्ट्स लोगों के लिए और ये बच्चे लोगों के लिए। और इधर पार्क भी बना हुआ है। और ऊपर जो दिखाई दे रहा है बिल्डिंग, ये व्यू पॉइंट है चंद्रगिरी हिल्स का। और ये है मंदिर कुछ अलग ही एक बना हुआ है। दैट्स दिस स्लीपिंग बुद्धा, अभी जो है क्लाउडी होके रखा है इसलिए उतना अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा है, और इस तरफ भी दिखाई दे रहा है, शायद फ़ोन के कैमरे में उतना अच्छे से आएगा नहीं। तो व्यू पॉइंट के जाने की कोशिश करते, इधर पूजा वगैरह दे देते हैं। ये दिखाई दे रहा है स्लीपिंग बुद्धा, ये अन्नपूर्णा रेंज इधर लिखा हुआ। लाग उतना साथ नहीं दिया,
इसलिए जो है स्लीपिंग बूथ उतना अच्छे से दिखाई नहीं दिया क्योंकि बहुत कोहरा है, फॉग से पूरा ढका हुआ है, क्लाउड से। तो फिर कभी देख लेंगे। ये भालेश्वर महादेव का मंदिर है चंद्रगिरी हिल्स के ऊपर। तो इधर तो देखना हो गया, अब व्यू पॉइंट को उधर चलते हैं, देखते हैं टिकट है कि नहीं। चंद्रगिरी हिल्स का टॉप का जो ऑल्टीट्यूड है वो है 2551 मीटर्स, ज़्यादा ऊंचा नहीं है। तो जिप लाइन हो रहा है, अच्छा इसमें एडल्ट भी हो रहा है, देखिए अभी छोड़ेगा। और इसमें कैमरा भी लगा है, कैमरा भी दे रहा है। साढ़े बारह बज चुका है इसलिए रोपवे जो है बंद हो चुका है, साढ़े बारह से डेढ़ बजे तक बंद रहेगा। सो इधर हम लोग बैठे हैं, सामने ही बैठे, पीछे रोपवे स्टेशन और हम लोग सामने ही बैठे हैं। सो थोड़ा देर बैठते हैं, कुछ कर नहीं सकते हैं, थोड़ा देर पहले आते तो ये हालत देखना नहीं पड़ता और भूख भी लगा है। तो चलिए बैठ बैठ के टाइम लैप्स का मज़ा लीजिए। Hardly walk on my own. I had to lift myself out of the trench below. Haven't I suffered enough to let you go? I feel all that. दो बजने को है और हम लोग चंद्रगिरी हिल से निकल रहे हैं और इधर से डायरेक्ट दरवास कट चल जाएंगे और रास्ते में कहीं पर खाना मिले तो खा लेंगे, बहुत भूख लगा है। नाउ वी आर इन दरवास स्क्वायर। दे रहा है ये जो भूकंप हुआ था उसकी वजह से हिल गया था, इसलिए लकड़ी से एक कर दिया गया है, लकड़ी से सपोर्ट कर दिया गया है। जस्ट लुक एट द प्लेस मैन, सच में अनोखी दुनिया है। बहुत पुरानी है, भूकंप की वजह से थोड़ा बहुत टूट फूट गया है लेकिन ये जगह बहुत पुरानी है। कैमरा में शायद, और ये वाला बिल्डिंग को देखिए, कैमरा में शायद जस्टिस नहीं हो पा रहा है। दिस इज़ अ ह्यूज मैन, ह्यूज, शायद ये राजमहल हुआ करता था शायद, आई थिंक, आई डोंट नो। वाह बड़े, स्कल्पचर को देखिए, लकड़ी से जो बनाया गया है इतना डिटेलिंग के साथ। अभी मैं आ चुका हूँ शांतिवन बौद्ध स्तूपा। सो शायद ही आपने किसी का वीडियो में ये सब देखा होगा क्योंकि ये बिल्कुल अनटच्ड एक जगह है। ये है पीछे, और पापा नहीं जा रहा है, मैं अकेला ही जा रहा हूँ, जाके देख के आ रहा हूँ। तो ये मैं उठ रहा हूँ, बहुत खड़ा चढ़ाई है भाई साहब, अब लोग बस देखिए एक बार, देखिए एकदम दूर तक जा रहा है। तो जल्दी जल्दी के चक्कर में बहुत थक गए हैं क्योंकि पापा अभी नीचे हैं, इसलिए मैं
जल्दबाजी में ऊपर आ रहा था तो पूरा शरीर में जितना दम था पूरा निकल गया। लगभग 2-2.5 किलोमीटर का ट्रेकिंग होगा, मैं बहुत छोटा समझा। कोई भी ट्रेकिंग को इतना हल्के में नहीं लेना चाहिए। तो चलिए जल्दी से नहीं, धीरे धीरे उठते हैं और उठ के आप लोगों को दिखाऊंगा। और इधर से पूरा काठमांडू सिटी जो दिखाई दे रहा है, और पीछे जो है बौद्ध स्तूपा दिखा रहा है, दिख रहा है। सो और 200 मीटर उठना पड़ेगा। दैट्स द बौद्ध स्टैचू। और ये पूरा काठमांडू सिटी। और यहाँ पे अभी और कोई नहीं है मेरे अलावा। और ये जगह का नाम है शांतिवन बौद्ध स्तूपा। ये आप लोगों को कोई नहीं दिखाएगा, शायद इससे ऊपर भी कुछ होगा, पता नहीं, उड़ने का और हिम्मत नहीं है। सुबह सुबह आते तो हो जाता। ठीक है, इधर तक तो ठीक है, बाद में इसके बाद जब आऊँगा तब इसके ऊपर चढ़ाई करूँगा। तो दो फोटो वोटो खींचते हैं, खींच के चल जाते हैं। सो अभी नीचे उतर के सीधा होटल में चलते हैं, थोड़ा सा रेस्ट लेना पड़ेगा, अभी 4 बज गया है। तो चलिए होटल में जाके मिलते हैं। एक्चुअली दिस इज़ द नॉट सेम डे, मैं अगले दिन सुबह को जो है नेक्स्ट डे सुबह को मैं शूट कर रहा हूँ। तो बहुत घूमना हो गया, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड कमेंट ऐसे करिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। सो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए, पूरा जो सीरीज़ है आने वाला है, और कल से जो पूरा सीरीज़ असली जो सीरीज़ है कल से चालू होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, अगली बार फिर मुलाकात होगा एक नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। दिस इज तनुमय दास साइनिंग आउट। You're all that I could see, you're all that I could see when I